नमस्कार, यूरेका के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है और मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को सीटेट के बारे में बताने वाली हूँ कि सीटेट के अंतर्गत हिंदी और हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पूछी जाती हैं और किन किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है, कितने मार्क्स का आता है और इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो सारी चीज़ें आज थोड़ा सा समय लेते हुए हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट के जैसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज तुम्हें हिंदी शिक्षा शास्त्र के बारे में बताती हूँ प्लस ग्रामर। अगर हम लोग बात करते हैं सीटेट की, है ना, तो इसके बारे में तो सबको पता है कि ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब है इससे हमें नौकरी नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का एक जरिया है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी जॉब को करने के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो हमें ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्वालिफाई करना, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड दो पेपरों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब एक सेक्शन होता है PRT के लिए और दूसरा सेक्शन होता है TGT के लिए। यहाँ PGT के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है, क्या PGT वालों किसी काम के नहीं है, सीटेट उनको देने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लोगे कि PRT वालों के लिए तो फर्स्ट पेपर बनाया गया है और TGT वालों के लिए सेकंड पेपर बनाया गया है, बट PGT वालों के लिए कोई भी सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर वो ट्वेल्थ के बाद या सॉरी ग्रेजुएशन के बाद अगर BEd करता है और BEd के बाद उसके पास मास्टर की डिग्री है तो वो एलिजिबल है किसी भी PGT एग्जाम के लिए, उसको किसी भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर PGT के बारे में कोई भी जानकारी देने या लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीटेट की जब हम बात करते हैं तो सीटेट में आपका PRT मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें PGT के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ बात किसकी करेंगे यहाँ पर, PRT और TGT के लिए। तो मैंने क्या बताया कि जब हम PRT का एग्जाम देते हैं, PRT किसको बोलते हैं बेटा, ये पहले जान लो, क्योंकि तुम लोग सीटेट वाले हो तो सीटेट वालों को ऑलमोस्ट यही नहीं पता होता कि PRT क्या होता है, TGT क्या होता है। इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है और जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब PRT की बात करते हैं तो हम फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करते हैं, मतलब पहली से पाँचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनती हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ PRT कहलाता है। और अगर सिक्स टू टेंथ की बात करते हैं बेटा तो वहां पर आपके TGT टीचर के बात करते हैं। अब सीटेट का क्या प्रावधान है इन दोनों के लिए, उसके बारे पे चर्चा करते हैं। PRT फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होता है और TGT को सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसका मतलब जिन्होंने JBT किया है, डाइट किया है या कोई भी ट्वेल्थ के बाद 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है, चाहे वो NTT ऐसे कोई भी कोर्स हो जो कि प्राथमिक स्तर की शिक्षिका बनने के लिए किया गया होगा, उसको फर्स्ट पेपर देना है। फर्स्ट पेपर जो है आपका सेम कितने नंबर का आता है, 30-30 मार्क्स की अगर बात करें तो एक सेक्शन 30 नंबर का आता है और टोटल पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें से 90 नंबर लाना आपको अनिवार्य होता है। सेम सेकंड पेपर में भी ऐसे ही होता है, आपको 150 का पेपर होता है और हर सेक्शन जैसे 30 नंबर की आपकी क्या होती है, हिंदी होती है, यहाँ पर 30 नंबर की आपकी अंग्रेजी होती है, ठीक है। मैं अपने विषय पे ज़्यादा चर्चा करूंगी, दूसरे विषय पे दूसरे जो जिनका सब्जेक्ट होगा वो चर्चा करेंगे, ठीक है। 30 नंबर की आपकी क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम CDP के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो बता 30 नंबर की यहाँ पर EVS आती है और आपकी 30 नंबर की यहाँ पर मैथ्स आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ, किसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए जिन्होंने JVT या BEd किया है। तो यहाँ पर मेरी हिंदी को थोड़ा हाईलाइट करूंगी, कितने नंबर की आ रही है, 30 नंबर की आ रही है। बट ये जो 30 नंबर है ना बेटा, ये 15-15 नंबर में डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर की पैड आएगी, चाहे वो अंग्रेजी हो, CDP हो, EVS हो, चाहे मैथ्स हो, हर सेक्शन में इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि 15 नंबर की आपकी हिंदी और 15 नंबर की शिक्षा शास्त्र, वैसे ही अंग्रेजी, वैसे ही मैथ्स, ठीक है। तो हिंदी में हम दो चीजें पढ़ेंगे तो 15-15 नंबर का आपका डिवाइड किया गया है। इसमें से 15 जो है वो व्याकरण आएगा, व्याकरण, और उसके बाद 15 नंबर की आपकी क्या होगी, शिक्षा शास्त्र होगा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी एक एक चीज, यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आपके क्या हो गया, कितने मिनट्स मिल गए आपको लोगों को, एक पेपर को करने के लिए आपको 150 मिनट ही मिलता है, ध्यान रखोगे 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरी हिंदी करने के लिए आपको 30 मिनट टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आउट करने होंगे।
चलो सबको अच्छे से समझ आ गया, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया बेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी हिंदी की, क्योंकि हम मैं क्या पढ़ाने आई हूँ भाई, हिंदी पढ़ाने आई हूँ, तो मैं हिंदी के बारे में चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ कि हिंदी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। देखो अभी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो सीटेट के अंतर्गत, अच्छा सेकेंड पेपर वालों को भी सेम यही सिलेबस होगा, बस 60 नंबर की ईवीएस हट जाएगी उनके में से। मतलब ईवीएस कैसे हटेगी देखो बता देती हूँ। तीन सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो। क्या बोल रही हूँ मैं, हिंदी सीडीपी और अंग्रेजी, ये तीन सब्जेक्ट कॉमन होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर दे रहे हो चाहे सेकेंड पेपर दे रहे हो। बट आपके 60 नंबर में क्या आता है, 60 नंबर में सेकेंड पेपर वालों के लिए उनका सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, चाहे वो मैथ से कर रहे हों चाहे एसएसटी से कर रहे हों, है ना, जिससे भी कर रहे हैं, तो उसमें ईवीएस और मैथ्स हट जाता है, उसके बदले 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव ऐड हो जाता है। तो इसलिए 60 नंबर की सेकंड पेपर वाले सब्जेक्ट करते हैं और फर्स्ट पेपर वाले ईवीएस और मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स को पढ़ाने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी की। अब हिंदी जो है, हिंदी कितने मार्क्स की बताई मैंने यहाँ पे, 30 नंबर की है। इसमें से दो नंबर जो दो पार्ट में बांटूंगी, तो एक आपका हो जाएगा व्याकरण, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे व्याकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र, ये हो गया हमारा हिंदी शिक्षा शास्त्र, ठीक है। यहाँ व्याकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। व्याकरण आपका कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। शिक्षा शास्त्र कितना नंबर का आएगा, 15 नंबर का। अब व्याकरण को भी यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि हम व्याकरण एक्चुअली में ग्रामर नहीं आएगा पूरा, आपको पूरा 15 क्वेश्चन ग्रामर के नहीं होंगे यहाँ पे। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण का बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है आपके सीटेट में, ज्यादा किससे पूछा जाता है, पूरे 15 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं आपको, व्याकरण के, ठीक है। तो व्याकरण सॉरी शिक्षा शास्त्र के व्याकरण में देखो यहाँ पे देखेंगे तो एक होता है गद और दूसरा होता है पद, बेशक ये आपके क्या है, व्याकरण के पार्ट है, बट एक्चुअली में ग्रामर में हम लोग संज्ञा सर्वनाम संधि इन सब चीजों को लगाते हैं ना, क्रिया विशेषण इन सब चीजों को, तो वो व्याकरण में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो गद 8 नंबर का आता है और पद आपका 7 नंबर का आता है, टोटल मिला के 15 नंबर का आपका आता है। इनमें जो है दोनों में जो वेटेज दिया गया है व्याकरण को ग्रामर को, वो अप्रोक्स 5 से 7 नंबर का दिया गया है। किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, 5 से 7 नंबर क्या दिया जाएगा, 5 से 7 नंबर व्याकरण दिया जाएगा। व्याकरण का मतलब यहाँ पर समझोगे बेटा, किसकी बात कर रही हूँ मैं, ग्रामर की, मतलब संधि समास समझ रहे हो, लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम इनकी बात कर रही हूँ। तो उस 5 से 7 नंबर का ही सिर्फ यहाँ पर आपको, बाकी तो सब गद और पद से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इसके अंतर्गत गद और पद को सम्मिलित किया है, ठीक है। अब देखोगे शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र को कहीं दो पार्ट में नहीं बांटा है, यहाँ शिक्षा शास्त्र को एक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही बांट रखा है। पहला शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया, तो यहाँ शिक्षण कैसे करनी चाहिए, शिक्षण किस तरीके से हो जाती है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कौशल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसमें बांटा गया, शिक्षण कौशल, और दूसरा है भाषा कौशल। समझेंगे कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ पे कोई पार्ट नहीं बांटा गया है, बट एक्चुअली में दो कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक शिक्षण कौशल पर, एक भाषा कौशल पर। तो शिक्षा शास्त्र को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक है भाषा कौशल और दूसरा है आपका शिक्षण कौशल। अब मुद्दा आता है ये क्या है, है ना, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जब शिक्षण कौशल की बात करते हैं तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग लेबोरेटरी डिफाइन करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स में डिवाइड नहीं कर रही हूँ, कभी इसके ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी इसके ज़्यादा आ जाते हैं, तो दोनों मिक्सचर है 15 में, ठीक है, पर है रिलेटेड टू द हिंदी, है ना, हिंदी शिक्षा शास्त्र। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत के पार्ट भी थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शिक्षा शास्त्र को डिफाइन कर रही हूँ, फिर उसके बाद व्याकरण के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो डिफाइन कर दूंगी मैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा शिक्षा शास्त्र को समझते हैं, शिक्षा शास्त्र के दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं बेटा, ये हमने क्या लिख दिया, शिक्षा शास्त्र।
शिक्षा शास्त्र के कितने पार्ट बनाए? मैंने दो पार्ट बनाए। सबसे पहला पार्ट क्या बोला मैंने तुम्हें, यहाँ पर भाषा कौशल लिख लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे भाषा कौशल। अब भाषा कौशल के बाद इधर दूसरा क्या लिखें भाई हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग शिक्षण कौशल, ठीक है। दोनों शब्द थोड़े से आप लोग को हिंदी में अटपटे लग रहे होंगे, बट अभी मैं बताऊंगी ये क्या चीज होती है, ठीक है। भाषा कौशल और शिक्षण कौशल ये दोनों चीज टीचर के लिए बेटा, स्टूडेंट के लिए नहीं है, पहले बता देती हूँ मैं। आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये अपने लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी काबिलियत को चेक किया जा रहा है, बच्चों की नहीं। बच्चों के लिए आप क्या सोचते हो, आपका तरीका क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को किस नज़र से देखते हो, उनमें कैसे विकास कर सकते हो, आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे तत्परता पैदा कर सकते हो, किस तरीके से उनकी कठिनाई स्तर का लेवल जो है समझ कर उनकी परेशानियों को कम कर सकते हो, उनका उपचार कैसे करोगे, उनका निदान कैसे करोगे, उनकी समस्याओं का उनकी काउंसलिंग कैसे करोगे, उनको परामर्श कैसे दोगे, निर्देश कैसे दोगे, अपने कक्षा का वातावरण उनके अकॉर्डिंग कैसे परिवर्तित करोगे, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण कैसे करोगे, क्लास में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करोगे, लेसन प्लान कैसे बनाओगे, बुक्स में जो कर रहे हो आप, जो पढ़ा रहे हो उनको किन टीचिंग मेथड से समझाओगे, कौन सा मेथड आपके पढ़ाने के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कौन सी क्वालिटी आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कौन सा बच्चों के लिए सही है, कौन सा गलत है, उनको निर्णय और डिसीजन मेकिंग कैसे सिखाना है। इसका मतलब कुल मिलाकर हम बच्चों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अपने लिए। क्यों पढ़ रहे हैं अपने लिए? क्योंकि हमें पता करना है कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, शिक्षक किन किन परिस्थितियों में अपने आप में परिवर्तन कर सकता है, किस तरीके से वो वातावरण को ढाल सकता है, क्योंकि जब वो खुद बच्चों को समझना सीख जाएगा तो वो बच्चों को समझाना भी बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो पहले हमेशा बच्चों को समझो, पहले बच्चों को समझने के लिए उनको समझना, उनके वातावरण को समझना, तो सबके लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। ये शिक्षा शास्त्र तब हमें आता है जब हम मनोविज्ञान का ज्ञान करते हैं, क्योंकि ये मनोविज्ञान के अंतर्गत पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है शिक्षा शास्त्र जानने के लिए हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। किसका ज्ञान होना जरूरी है? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है ना, इसको एक कॉन्सेप्ट में भी बता देती हूँ कि अगर हम मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मानव व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए। क्योंकि मनोविज्ञान शब्द का मतलब ही क्या है, मनोविज्ञान का मतलब है मानव व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए, है ना, साइकोलॉजी जिसको बोलते हो तुम लोग। तो मैं क्या करने वाली हूँ या तुम क्या करने वाले हो, टीचर बन के तुम क्या करोगे, हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, मानव के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? मानव के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। पर वो परिवर्तन लाएंगे कैसे? या तो प्रशिक्षण से लाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके लाएंगे, या अभ्यास करवा के लाएंगे, या अनुभव करवा कर लाएंगे। क्या बोला मैंने कि मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान क्या कहता है? मन के विज्ञान, है ना, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान का मतलब है मानव व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ पे मनोविज्ञान एक कॉन्सेप्ट निकाल कर आता है, क्या बोलता है, अब इसमें एक चीज और बता देती हूँ। तो मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान होता है, पर मनोविज्ञान के अंतर्गत दोनों आते हैं, बच्चे और बड़े दोनों आते हैं। बड़ों का भी अध्ययन आता है, बच्चों का भी अध्ययन आता है, पर हमें क्या बड़ों का करना है? नहीं, हमें तो बड़ों को नहीं पढ़ना है, हमें तो पढ़ना किसको है, पढ़ाना किसको है, बच्चों को पढ़ाना है। तो हम मनोविज्ञान में हम केवल और केवल बच्चों की बात करते हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में तुम लोग इसको कहते हो चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है बेटा, चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो हमें मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है, हमें तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, हमें तो मनोविज्ञान नहीं, हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना है। तो यहाँ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ना करते हुए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करती हूँ, और किसका प्रयोग करूँगी मैं यहाँ पर, किसको पढ़ाना है, हमें बाल मनोविज्ञान को समझना है, और बाल मनोविज्ञान से ही शिक्षा शास्त्र शब्द का जन्म हुआ है। क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? क्या मैं CDP पढ़ा रही हूँ? नहीं, मैं हिंदी शिक्षा शास्त्र पढ़ा रही हूँ, और हिंदी शिक्षा शास्त्र तभी अच्छी हो सकती है जब हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। तो मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं करना है हमें, तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान करना है, क्योंकि किसके व्यवहार में परिवर्तन करना है? बच्चों के व्यवहार के में परिवर्तन करना है। तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हमें बच्चे को समझना जरूरी है, और बच्चे को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। कुल मिलाकर कान किधर से भी पकड़ो, पढ़ना तो हमें यही पड़ेगा, है ना। तो अब बाल मनोविज्ञान को समझने का मतलब है कि हमें यहाँ पर किन किन चीजों को समझना है, क्या समझना है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बल देते हैं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने किसकी बात की? बाल मनोविज्ञान की। और बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करना।
क्या कहता है बेटा, मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ये मानव हमारे लिए कौन है बेटा, यहाँ पे बच्चा है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना। पर ये मानव कौन है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, बालक की बात करेंगे। ये मानव हमारे लिए बालक है, तो हम बालक के व्यवहार में क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, अब परिवर्तन करेंगे कैसे बेटा, परिवर्तन करेंगे कैसा, परिवर्तन हम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, परिवर्तन हम तीन चीज़ों से कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से, कैसे करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, बच्चे को कोई प्रशिक्षण देंगे, तो प्रशिक्षण तो देना ही है, और प्रशिक्षण जैसे ही देते हैं तो वो औपचारिक हो जाता है। समझोगे बेटा, बातों को, कॉन्सेप्ट को समझोगे। जब हम परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन करेंगे कैसे, परिवर्तन किससे होता है, परिवर्तन करना माने प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब है कोई विद्यालय, और विद्यालय का मतलब है औपचारिक। तो यहाँ पर हम क्या किसकी बात करें, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब किसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर विद्यालय की बात करेंगे। और जब विद्यालय की बात कर रहे हैं बेटा, विद्यालय की बात जब हम कर रहे हैं, तो विद्यालय क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। क्या है बेटा, एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो औपचारिक प्रक्रिया के जरिए हम प्रशिक्षण देंगे, विद्यालय में प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण देने के लिए कौन चाहिए, प्रशिक्षण देने के लिए कौन चाहिए, कौन देगा प्रशिक्षण, शिक्षक देंगे। कौन देंगे बेटा, शिक्षक देंगे। समझो, सारी पंक्तियां ना जुड़ी हुई हैं, तभी हम समझ पाएंगे जब हमें ये सारी चीजें समझ आएंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, है ना। तो यहाँ पे प्रशिक्षण कौन देगा, भाई शिक्षक देगा। इसका मतलब शिक्षक को वेल मेंटेन्ड होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, प्रशिक्षण के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका अभ्यास करवाएंगे, है ना। जैसे ही अभ्यास होगा तो उसके पास अनुभव आ जाएगा, या अनुभव से करवाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या है, प्रशिक्षण है, अभ्यास है, और अनुभव है। इन तीनों के जरिए हम किसी भी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम हो कैसे रहा है, अधिगम हो कैसे रहा है, लर्निंग हो कैसे रही है, जब बच्चा कहीं पर प्रशिक्षण लेने जाएगा, जब बच्चा कहीं पर कोई अभ्यास करेगा, जब बच्चा कोई अनुभव प्राप्त करेगा। तो जैसे ही अभ्यास, अनुभव और प्रैक्टिस करता है, तो बच्चा क्या करता है, अधिगम कर लेता है। और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को अधिगम कराना। और अधिगम क्यों कराना है, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। और परिवर्तन भी कैसा, परिवर्तन भी कैसा, सकारात्मक और स्थायी। ध्यान रखोगे, परिवर्तन भी कैसा करवाना चाहती हूँ मैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं अधिगम करवाऊंगी, परिवर्तन जो कर रही हूँ मैं, इस अधिगम करवा रही हूँ, वो मैं आपके सामने क्या रखूंगी, एक तो स्थायी हो भाई, परमानेंट चेंज हो जाए। ऐसे नहीं कि आज मेरे सामने झूठ नहीं बोल रहा है पर कल झूठ बोलने लग जाए, आज मेरे सामने सलीके से बात कर रहा है, सलीके से रह रहा है, स्कूल में बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वेल मेंटेन्ड है, सब चीज़ को बहुत प्रॉपर कर रहा है, पर जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, घर में जाके वैसे ही जानवरों जैसी हरकत करने लग जाए, वैसे ही झूठ बोलने लग जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा। इसका मतलब क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, हम उसे सिखा रहे हैं, हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर वो स्थायी नहीं है। तो ऐसी लर्निंग किस काम की, तो लर्निंग कैसी करानी है, जहाँ पे कुछ स्थायित्व आ जाए। तो यहाँ पे एक तो कहलाया है कि हम अधिगम कराएं, हम सिखाएं, पर सिखाएं कैसे, स्थायी हो। और स्थायी के साथ साथ कैसा होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। झूठ बोलना भी तो सिखा सकते हैं, मारपीट सिखा सकते हैं, लड़ाई सिखा सकते हैं, पर अगर वो स्थायी हो जाए तो क्या फ़ायदा, क्या करवाना है हमें, सकारात्मक परिवर्तन करवाना है। क्या करना है, सकारात्मक परिवर्तन कराना है, पॉजिटिव चेंजेस लाना है। बट एक बात बताओ, पॉजिटिव चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे कैसे, पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे कैसे, वो कौन सिखाएगा हमें, वो कौन सिखाएगा हमें कि पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाना है। मुद्दा क्या उठ रहा है कि ठीक है, आपने कह दिया मैम कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है बच्चे के, और व्यवहार में परिवर्तन हम इन तीनों के कारण लाएंगे, और इन तीनों के कारण जो परिवर्तन होगा वो अधिगम है, और अधिगम से जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। बट कैसे, किस तरीके से, ये प्रश्न का उत्तर कौन देता है हमें, ये बाल मनोविज्ञान देता है कि किसी बच्चे के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएं, क्या करें, कितना करें, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। इसका मतलब, जब तक हमें बेस पता नहीं होगा तो ये मनोविज्ञान किसी काम का नहीं है।
ये तो सिर्फ किताबों में बोझ सा लगेगा तुम लोगों को, बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम बोझपन वाला नहीं पढ़ेंगे। हम हिंदी हो, चाहे CDP हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि बस आपका दिल लगने लग जाए, मन लगने लग जाए, आप उन चीज़ों को अपने आसपास ढूंढने लग जाओ। तो मनोविज्ञान कोई विषय नहीं है बेटा, आप उसको बर्डन की तरह पढ़ोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट को बर्डन की तरह पढ़ोगे या हिंदी शिक्षा शास्त्र को बर्डन की तरह पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है, अपने आसपास के चीज़ों से जोड़कर आप सीखोगे तो आप बहुत आसान से आप शिक्षा शास्त्र सीख पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। अब थोड़ा सा अब जो मुद्दा उठता है कि भाई ये प्रश्न का उत्तर जो आया, ये बाल मनोविज्ञान की भाषा कौशल कैसे है और शिक्षण कौशल क्या है, ये कैसे सिखाना है, क्या प्रयोग करना है, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें मनोविज्ञान बता रहा है। इसीलिए मनोविज्ञान पे थोड़ा सा मैंने चर्चा किया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये भाषा कौशल और शिक्षण कौशल की बात यहाँ पर की क्यों जा रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो भाषा कौशल अगर हम बात करते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे भाषा कौशल के अंदर कौन कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है। अब देखो जब हम भाषा कौशल की बात करते हैं तो भाषा कौशल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके प्रकार, भाषा के प्रकार, किसके भाषा कौशल के प्रकार। अब सिलेबस भी तुम्हारा इसी में डिस्कस कर रही हूँ, कुछ खास खास पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, बाकी छोटे मोटे हम लोग क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, भाषा कौशल के प्रकार, तो सबसे पहला पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भाषा कौशल के प्रकार की। जब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास चार कौशल होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा श्रवण कौशल, दूसरा होता है तुम्हारा वाचन कौशल, तीसरा होता है तुम्हारा जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा कौशल होता है बेटा, पठन कौशल। ठीक है, और फिर होता है तुम्हारा लेखन कौशल। ये हमारे पास चार कौशल होते हैं, इन चारों कौशलों के हमें क्या पढ़ना है, इन चारों कौशलों के हमें उद्देश्य पढ़ना है, इन चारों कौशलों के हमें क्या पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, इन चारों कौशलों का हमें क्या पढ़ना है, हमें प्रकार पढ़ना है। जैसे वाचन कौशल के भी प्रकार होते हैं, है ना, श्रवण कौशल के भी प्रकार होते हैं, पठन कौशल के भी प्रकार होते हैं, लेखन कौशल के भी प्रकार होते हैं, तो इनके भी हमें क्या पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनकी विशेषता क्या है, विशेषताएं। ठीक है, छठवें नंबर पर हम लोग इनके साथ साथ हम लोग उपचार, है ना, कारण, विकार के कारण, है ना, कारण पढ़ेंगे विकार के, फिर हम पढ़ेंगे इसमें उपचार, उपचारात्मक शिक्षण कि उपचार कैसे किया जाएगा अगर इनके विकार हैं। ठीक है, कारण विकार का, इसको निदानात्मक भी कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग श्रवण वाचन पठन लेखन से संबंधित क्या क्या बात करेंगे, उद्देश्य प्रकार, विशेषताएं, कारण, उपचारात्मक, है ना, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम लोग, प्लस भाषा से संबंधित, जैसे हम लोग यहाँ पर मातृभाषा की बात करेंगे, मातृभाषा से संबंधित जो भी चीज़ें आई हैं उनके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम त्रिभाषी सूत्र के बारे में बात करेंगे, त्रिभाषी सूत्र का क्या प्रयोग किया गया है, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, तो ये सारे चीज़ जो है आपके भाषा कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत भाषा से संबंधित, ठीक है, तो वो हम लोग उसी के समय कोठारी कमीशन के अंतर्गत क्या कहा गया है, NCERT के अंतर्गत भाषा से संबंधित, जैसे NCERT के अंतर्गत क्या कहा गया है, है ना, भाषा से संबंधित, NCF के अंतर्गत क्या कहा गया है भाषा से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण शास्त्र की, शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण कौशल क्या होता है, आपका तरीका होता है, टेक्निक होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हिंदी शिक्षक के गुण पढ़ेंगे कि एक हिंदी शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, हिंदी शिक्षक के गुण। ठीक है,
मैं मेन मेन टॉपिक लिख रही हूँ बेटा, बहुत सारे टॉपिक हैं बट हम लोग कुछ ही टॉपिक पे चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी जब क्लास में बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स लिखवाऊंगी, ठीक है। हिंदी शिक्षक के गुण के, एक शिक्षक होने के नाते टीचर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अपने कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन का तरीका होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भाषा शुद्ध सरल होनी चाहिए, बच्चों के कठिनाई स्तर को समझने वाला होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे गुण जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे हिंदी भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, हम किस किस तरीके से ग्रामर को पढ़ा सकते हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, शब्दांश विधि, है ना, वाक्य पूर्ति विधि, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास हिंदी पढ़ाने के, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हम विधियाँ पढ़ लेते हैं तो हमें सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। सूत्र मतलब मैगजीन, सरल से कठिन पढ़ना चाहिए, है ना, या फिर सरल से जटिल पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, अमूर्त से अमूर्त पढ़ना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण पढ़ना चाहिए, किस तरीके का प्रयोग करना है। चौथा, हम लोग यहाँ सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि पढ़ाने के दौरान हमें किन किन सिद्धांत की जरूरत होती है, ठीक है। पांचवें नंबर पर शिक्षण कौशल पढ़ेंगे, शिक्षण कौशल जो कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक हिंदी शिक्षक के लिए कौन कौन से कौशल होने चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण कौशल हम लोग देखेंगे कौन कौन से शिक्षण कौशल होने चाहिए, व्याख्यान कौशल, प्रश्न कौशल, बहुत सारे हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, हमें अभिप्रेरणा का नॉलेज होना चाहिए, अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे पुनर्बलन भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग वहाँ भी पढ़ोगे बेटा CDP में भी पढ़ेंगे। सातवें नंबर पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्या लिखूँ, ब्लूम का सिद्धांत लिख देती हूँ हिंदी में, ब्लूम का सिद्धांत कहते हैं। ब्लूम का सिद्धांत जो है आपका 3H थ्योरी, जिसको कहते हैं हेड, हार्ट और हैंड, तो जिसको जिसमें आपका संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और आपका क्रियात्मक होता है, तीन डोमेन होते हैं, तो तीन डोमेन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी के बाद हम लोग NCF 2005 के अंतर्गत हिंदी के में क्या बताया गया है, NCF 2005 के बारे में हिंदी में क्या बताया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर करिकुलम पर भी बात करेंगे, करिकुलम के अंतर्गत हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद NCF भी पढ़ रहे हैं हम, ब्लूम भी पढ़ रहे हैं हम, मूल्यांकन पद्धति पर भी बल देंगे कि मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर पाठ योजना, लेसन प्लानिंग, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बात करेंगे। मूल्यांकन में कौन कौन से मूल्यांकन होते हैं, किस तरीके के होते हैं, प्रश्न कैसे होना पूछना चाहिए हमें, है ना, तो ये पाठ योजना में भी बात करेंगे, पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, तो इस तरीके के हम लोग सारी चर्चा जो है यहाँ पर करेंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ रहा होगा। तो हिंदी शिक्षक के गुण के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको देखना है कि किन किन चीज़ों पर बात की जा सकती है। ये पॉइंट्स अभी बहुत कम है बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अगर हम बात करने बैठे तो बहुत सारे कंटेंट इसमें लिंक होते हैं कि आपके हिंदी शिक्षण की पद्धतियाँ क्या हैं, आप टीचिंग एड, शिक्षण कौशल, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आता है, मैं 11वें नंबर पर लिख देती हूँ कि शिक्षण सहायक सामग्री, किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर, शिक्षण सहायक सामग्री, है ना, जिसको आप लोग टीचिंग एड बोलते हो, तो शिक्षण सहायक सामग्री, इस पर भी हमारी बात होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिकों पे डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि बच्चे के पढ़ाने के दौरान उपचारात्मक या मोटिवेशन कैसा होगा, अब यहाँ पर उपचारात्मक की बात नहीं कर रही हूँ, प्लस यहाँ पर एक लर्निंग कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम, ठीक है। तो हम लोग कौन सा है, 12वां पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर हो जा रहा है ना, यहाँ पे ये इसको मिटा दूँ, इधर वाले को ये यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट होगा या मिटा देती हूँ बेटा, ज़्यादा अच्छा है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो मैं मिटा देती हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा आपका, किस चीज़ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रही हूँ मैं तुम्हारा, शिक्षण सहायक सामग्री तो लिखा ही है मैंने, बट इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर चीज़ों को और भी पढ़ते हैं, जैसे कि हमें किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, प्रणालियाँ कौन सी होनी चाहिए,
उपागम जिसको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, उपागम अप्रोचेस कौन से यूज़ करने चाहिए, है ना, अधिगम कैसे होता है, अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये हिंदी में हम लोग जब पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, आ ई पढ़ाते हैं, फिर शब्दों को पढ़ाते हैं, तो सकारात्मक कैसे होगा, नकारात्मक कैसे होगा, तो अधिगम स्थानांतरण भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर हम लोग अगर सिद्धांतों की बात करें तो हम लोग यहाँ पर सिद्धांत नहीं पढ़ते, बट यहाँ पर हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे चॉम्स्की के हो गए, है ना, तो सिद्धांत की भी बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, जैसे चॉम्स्की का सिद्धांत पूछा गया है, वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे चॉम्स्की के बारे में बात करेंगे, है ना, वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग प्याजे, प्याजे के बिना तो सब कुछ अधूरा है, प्याजे की बात करेंगे, इसमें बंडूरा ने भी काफ़ी बातें कही हैं, तो हम कुछ ऐसे जो हैं गांधी जी की बात कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, तो गांधी जी भी बहुत फेमस थे, तो गांधी जी की भी बात करेंगे, तो इनकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरीज के अंतर्गत, कि इन्होंने भाषा के ऊपर अपने क्या विचार दिए हुए हैं, है ना। तो हम कुल मिला के अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास भाषा से संबंधित, जिनको हमें जानना ज़रूरी है, कि भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा का प्रयोग कैसा होता है, भाषा का उपचार कैसे किया जा सकता है। एक हम अधिगम विकार भी पढ़ेंगे, अधिगम विकार जिसको लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, दिख जाएगा, है ना, मुझे तो स्पेस ही कम लगता है, हर जगह इतना लिखती हूँ मैं, जैसे 15 नंबर पे यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको अधिगम विकार पढ़ते हैं। अधिगम जो है, अधिगम विकार का मतलब समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, अधिगम विकार की, जिसमें हम लोग डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, पठन विकार, है ना, तो अधिगम विकार पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनकी बात करते हैं, गणित विकार की, भाषात्मक विकार की, है ना, तो हम लोग यहाँ पर इन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा किए हैं। अब थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से हमें किस किस चीज़ को पढ़ना है उस पर भी मैं आप लोग के साथ बात कर लेती हूँ। तो ये तो हो गए हमारे पास कुछ 15-16 टॉपिक मैंने आपको ऐसे लिखवाए हैं, बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे प्रणालियाँ क्या हैं, उपास सिस्टम्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, ये सारा जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिफाइन करवाऊँगी, ठीक है। अब थोड़ा सा व्याकरण के बारे में बता देती हूँ कि हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, व्याकरण की बात कर रही हूँ बेटा, व्याकरण वैसे तो 15 नंबर का आएगा, पर हमारा ग्रामर जो है आपको पता ही है बहुत कम पूछा जाता है सीटेट में, तो बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना है। बट एक बात बताओ, दिक्कत पता है कहाँ आती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो जो पेपर बनाने वाला है वो क्या पूछ लेगा, क्योंकि अब हमें ये क्या पता, चाइल्ड डेवलपमेंट में पूरा पढ़ना पड़ता है, पता नहीं क्या पूछ लेगा, है ना, गणित में पूरा पढ़ना पड़ता है, क्या पता नहीं क्या पूछ लेगा। वैसे हिंदी में भी अगर हमें 5 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस 5 क्वेश्चन के लिए भी पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है, यहाँ नुकसान हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिल टूट जाता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को देखेंगे। तो व्याकरण में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, वैसे तो सिलेबस मैं पूरा करवाऊँगी बेटा, ग्रामर व्याकरण पूरा करवाऊँगी, बट अभी सिर्फ तुम्हें मैं बता रही हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। एक तो आपके एग्जाम में अगर बात करते हैं तो वर्ण विचार से क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में, ना ही भाषा बोली लिपि से आता है, आपके एग्जाम में आता है शब्द विचार से क्वेश्चन आता है। शब्द विचार में से भी आपके एग्जाम में देशज और विदेशज आ चुका है, जो आ चुके हैं वो भी बता रही हूँ बेटा, और जो आने की संभावना है वो भी बता रही हूँ। तो देशज और विदेशज आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके में तत्सम और तद्भव पूछा जा चुका है, तत्सम और तद्भव आ चुका है आपके एग्जाम में। अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछा जा चुका है, उपसर्ग और प्रत्यय। चौथा अगर हम बात करें तो यहाँ रूढ़ भी आपके एग्जाम में आ चुका है, यौगिक भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और योगरूढ़ भी आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत छोटी सी चीज़ है पर पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो क्रिया आपके एग्जाम में आ चुकी है, विशेषण आपके एग्जाम में आ चुका है, और संज्ञा के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और सर्वनाम के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिंग और वचन, इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगर हम बात करते हैं लिंग वचन और एक कारक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और काल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, काल के नहीं पूछे गए हैं, वाक्य के पूछे गए हैं, ठीक है। संधि और समास भी आपके एग्जाम में आई हुई है, तो आपके ग्रामर सेशन की अगर बात करें तो ग्रामर सेशन में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना। जैसे देशज विदेशज तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय रूढ़ यौगिक योगरूढ़ क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम, एक टॉपिक और लिख दे रही हूँ मैं, क्रिया विशेषण भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्रिया विशेषण पूछा गया है बेटा। और एक निपात टॉपिक आपने पढ़ा हो सुना होगा, तो निपात से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रिया विशेषण और निपात को भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। निपात का तो कम से कम लगातार 2-3 साल कंटिन्यू पूछा गया था, है ना। क्रिया विशेषण के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इन टॉपिकों को हम छोड़ दें, ठीक है। काल का क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा गया आपके एग्जाम में, काल का, अगर काल में छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि काल का 1-2 बार TGT लेवल पर आया है, तो काल लिख लो तुम लोग, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि मैम ने नहीं लिखवाया तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप ये जो है आपके इतने टॉपिक्स जो है हमें करना कंपलसरी है, अगर हम ये टॉपिक नहीं करेंगे ना बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर छूट जाएगा। बट इसके अलावा क्या चीज़ ध्यान रखना, जैसे मुहावरे कहावतें एकार्थी विपरीतार्थी समानार्थी, इनमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती मैं। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आप विपरीतार्थी छोड़ दो, समानार्थी छोड़ दो, मुहावरे छोड़ दो, लोकपतियाँ छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते बेटा, है ना। तो हमें कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, मुहावरे पूछे गए हैं, कहावतें पूछे गई हैं, लोकपतियाँ पूछी गई हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ग्रामर के अंतर्गत ये सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको, समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं कि ये सारे टॉपिक जो हैं हमारे क्या हैं, ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है इसमें से वो भी बता देती हूँ, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, जैसे देखो यहाँ पे तत्सम और तद्भव रिपीटेड है, ऑलमोस्ट ईयर रिपीटेड है, उपसर्ग प्रत्यय रिपीटेड है, और यहाँ पर लिंग और वचन रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये पूछे जाते हैं। एक यहाँ से कारक पूछा जाता है और एक विशेषण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको नहीं बोल सकती। एक वाक्य जो है, वाक्य भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वाक्य से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जिन पे मैंने सर्कल मारा है ना बेटा, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी निपात आपका कम से कम 4-5 बार पूछा गया है, तो निपात को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या अंदाज़ा लग गया है यहाँ पर, ये सारे क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ाने का बहुत सिंपल सा तरीका है मेरा कि पहले हम लोग ग्रामर सेशन के क्लासेस लेंगे, ग्रामर सेशन के बाद या तो फिर हम पैडा कर लेंगे, तो ऐसा होगा कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, प्लस जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उस टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको क्लास में ही करवा दूंगी, और जिससे ये हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा और कितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो आप यहाँ पर सीख पाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग जब शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है बच्चा और एक आता है शिक्षक, या मैं शिक्षक लिखकर इसको, मैं बच्चा ना लिखकर अगर स्टूडेंट लिख दूं, शिक्षार्थी लिख दूं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, शिक्षार्थी। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है। शिक्षार्थी और शिक्षक 2 केंद्र बिंदु है, जिसपे शिक्षार्थी जो है आश्रित चर है, क्या है बेटा, आश्रित चर है, और शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है। आश्रित चर शिक्षार्थी क्यों है, बालक आश्रित क्यों है, क्योंकि वो किसके द्वारा सीखेगा, किसके द्वारा ज्ञान को देगा, तो वो देगा शिक्षक के द्वारा ज्ञान को लेगा। तो यहाँ पे जो शिक्षार्थी है वो आश्रित है, और वो आश्रित क्यों है, शिक्षक पर है, क्योंकि शिक्षक जो है क्या करेगा, उसे ज्ञान प्रदान करेगा, है ना, उसे क्या देगा, उसे निर्देश देगा,
और क्या करेगा, उसे ज्ञान देगा, निर्देश देगा, उसे सारी चीज़ें समझाएगा, उसे काबिल बनाएगा, उसे योग्य बनाएगा, जो उसे नहीं आता है वो देगा। तो ध्यान रखोगे ये स्वतंत्र है, ये अपने तरीके से कर सकता है। और साधन क्या है यहाँ पे, साधन क्या है यहाँ पे, साधन किताबें। साधन क्या है बेटा, किताबें हैं। तो आपको ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो शिक्षण किसके अनुरूप होने चाहिए, शिक्षण हमेशा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। तो हमारी जो शिक्षा में जो महत्वपूर्ण पिलर बताया जाता है वो होता है आपका ट्रीपोलर टीलर, जिसको ट्राईपोलर के नाम से जानते हैं, ट्राईपोलर सिस्टम। ये ट्राईपोलर सिस्टम को हम लोग त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं या त्रिपक्षीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिपक्षीय सिद्धांत या त्रिविमीय भी कह देते हैं, ट्राईपोलर सिस्टम, है ना। तो जो ये त्रिपक्षीय बात कर रही हूँ, ये त्रिपक्षीय होता क्या है, त्रिपक्षीय का मतलब होता है एक ऐसा पिलर जिसके तीन चीजें होनी चाहिए, जिसमें से आपका दो बिंदु तो महत्वपूर्ण है, आधार है, उसमें से एक कौन है आपका स्टूडेंट, आपका कौन है छात्र, जिसको हम शिक्षार्थी के नाम से जानते हैं, शिक्षार्थी, ठीक है, ये तो जरूरी है बेटा। और दूसरा कौन है, शिक्षक, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो तुम लोग टीचर और स्टूडेंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये तीसरा पिलर कौन है, ये तीसरा पिलर है आपका एनवायरनमेंट, है ना, वातावरण। कौन है बेटा, वातावरण है। ये वातावरण किसका पार्ट है, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो वातावरण है, इस वातावरण को, इस सिस्टम को किसने दिया है, इस सिस्टम को दिया है जॉन डीवी ने। किसने दिया है बेटा, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी की अगर हम बात करें तो जॉन डीवी ने दो कॉन्सेप्ट और दिया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जाती है, तो ये भी जॉन डीवी के प्रस्ताव के द्वारा ही मान्यित है। सबसे पहले अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो जॉन डीवी ने इसको प्रस्तावित किया था। प्रगतिशील शिक्षा अगर पूछा जाए तो प्रगतिशील शिक्षा भी किसके द्वारा कही गई है, प्रगतिशील शिक्षा भी आपकी जॉन डीवी के द्वारा ही कही जाती है, ठीक है। तो हमारे देश में ट्राईपोलर सिस्टम भी किसने दिया है, तो इसको तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा, अगर बात करते हैं त्रिपक्षीय प्रणाली की बात करते हैं, तो त्रिपक्षीय प्रणाली जो है वो किसने दिया है आपको, जॉन डीवी ने दिया है। तो इस आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये जो है तीन पक्ष आपके किसने दिए हैं, जॉन डीवी ने दिए हैं। जॉन डीवी ने क्यों दिए हैं, ताकि शिक्षा को सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके और बच्चों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर एक बात जो आती है कि शिक्षार्थी के अनुरूप क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षण होना चाहिए। पर शिक्षण कैसे अनुरूप बनाएंगे, तो उसके लिए, शिक्षण बनाने के लिए मुझे वातावरण अनुरूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, वातावरण अनुरूप बनाना पड़ेगा। और उस वातावरण को अनुरूप बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को अनुरूप बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, शिक्षक को अनुरूप बनना पड़ेगा। मतलब शिक्षक को किसको फॉलो करना पड़ेगा, बच्चे को। इसमें कुल मिलाकर हम किस मुद्दे की बात कर सकते हैं, कि कुल घुमा फिरा के एक ही बात निकलती है कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग अपने शिक्षण प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बाल केंद्रित की। और बच्चे को केवल हम लोग किताबी भाषा ना सिखाएं, बल्कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए उन्हें प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चा अपना खुद का, स्वयं का विकास कर सके और स्वयं अध्ययन कर सके, ना कि किसी पे आश्रित हो। पहले आश्रित होता है पर बाद में हम उसे स्वतंत्र बना देते हैं। और त्रिपक्षीय प्रणाली का मतलब ये है कि चाहे शिक्षक और शिक्षार्थी कितने अच्छे क्यों ना हो, पर वातावरण अच्छा होना जरूरी है। पर बाद में इसको मॉडिफाई करके करिकुलम से डिनोट कर दिया गया था बेटा, ध्यान रखोगे, करिकुलम पाठ्यक्रम से डिनोट कर दिया गया था, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको समझ आ रहा होगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर से, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारा पढ़ाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्लास होने के बाद आपको क्लास टेस्ट मिलेगा और जो भी विषय आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित डाउट निदान और उपचार कक्षा में ही हो जाएगा।
और हमारे जो न्यू बैजेस हैं उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और उससे उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ। तो यूरेका की तरफ से मैं आप सभी की बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और बहुत ही जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।